अस्सलाम वालेकुम यारी मोला नाइम समझा रहे हमारे चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर देना शुक्रिया। हिंदुस्तान में एक एंकर्स है जो गुस्ताखी करती है मेरे मुस्तफ़ा के बारे में, क्या क्या अल्फाज कहती है मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आपने यूट्यूब पे फेसबुक पे कहीं ना कहीं सुने होगा, अगर नहीं सुने यूट्यूब पे या फेसबुक पे जाकर सर्च करें तो आपको ट्रेंडिंग में ये मिलेगा। क्या क्या कहती है मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जिनको अपने बाप का मालूम नहीं होता, जिनको अपनी माँ का मालूम नहीं होता, वही मेरे नबी के ख़िलाफ़ बात कर सकता है। हकीकत बात है, जिनको अपने बाप का सजदा मालूम नहीं, वो नाजायज़ माँ बाप की नाजायज़ औलाद, वही मेरे नबी के बारे में बात कर सकता है। हमने हर बार कहा है, हर बात में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ना मेरे नबी की बात, जो मेरे नबी के बारे में गुस्ताखी करेगा, जो अहले बैत के बारे में गुस्ताखी करेगा, नो कंप्रोमाइज़, चाहे इसमें हमारी जान चली जाए, चाहे हमारा माल चले जाए, चाहे हमारे बच्चे कुर्बान हो जाए, इस पर नो कंप्रोमाइज़। ये सरेआम इसने अल्फाज के एक वो मैं आपके साथ बार बार कह रहा हूँ, नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि जो उसने अल्फाज कहा है मुसलमान होगा तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, सुन भी नहीं सकता ऐसे अल्फाज उसने कहे। तो आप उसने ये आसानी से उसने अल्फाज कह दिए, जनाब से मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, जनाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान जाग उठे हैं। अब यहाँ शिया सुन्नी की बात नहीं रहेगी कि दियो बंद है वहाँ भी, यहाँ शिया सुन्नी की बात नहीं रहेगी, यह मुसलमान की गैरत की बात रहेगी। अगर गैरत है तो वो ज़रूर निकलेगा, चाहे वो सऊदीया में रहता है, चाहे वो अमेरिका में रहता है, चाहे वो अमेरिका बरतानिया में रहता है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो इटली में रहता है, चाहे वो फ्रांस जहाँ भी रहता है, अगर उसके अंदर गैरत होगी वह ज़रूर बाहर निकलेगा कि मेरे मुस्तफ़ा के बारे में बात की है, ज़रूर बाहर निकलेगा। क्या हिम्मत होगी इसके मेरे मुस्तफ़ा के बारे में बात हो जाए, मैं चुप करके बैठ गया नहीं बैठूंगा। और इसने बात की, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल है, पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज। मैं बार बार एक आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि मैं ये क्लिप आपसे शेयर नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ये क्लिप सुनने में, हकीकत बहुत ज़्यादा मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अल्फाज कहते हुए, हिम्मत कैसे हुई ये अल्फाज जो इसने कहे, ये सिर्फ वही कहते हैं जो नाजायज़ माँ बाप के, शर्म नहीं है ऐसे अल्फाज कहते हुए। शिया अब याद देख जाए, जनाब साहब शिया नहीं बोलता, वो पहले ये पॉइंट आते हैं कि नबी के बाद, मेरे भाई या शिया सुनने की बात नहीं रहेगी, या मुसलमान की गैरत की बात रहेगी। अगर मुस्तफ़ा के बारे में कोई गुस्ताखी करे, या अहले बैत के बारे में कोई गुस्ताखी करे, या सहाबा के बारे में कोई गुस्ताखी, जिसके बारे में कोई, शिया चुप नहीं रहेगा, मुसलमान की गैरत की बात है। या गैरत की बात हुई तो हर बंदा जवाब देगा, चाहे वो 1 साल का हो चाहे वो 100 साल का हो, हर बंदा जवाब देगा कि मेरे नबी के बारे में गुस्ताखी हुई है। हमें जान प्यारी है, जान हर बंदे को प्यारी, लेकिन मुस्तफ़ा से बढ़ कर हकीकत बात बात करनी, हमारे हमें बच्चे प्यारे हैं लेकिन मुस्तफ़ा, हमें माल प्यार नहीं बल्कि मुस्तफ़ा, हम उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जो इसने बात किया है, भाड़ में जाए जो भी कहते हैं हिंदुस्तान के, हम ये हो जाएगा हमें इतना नुकसान हो जाए, भाड़ में जाए नुकसान, भाड़ में जाए जान। लेकिन अगर मैं मुस्तफ़ा के बारे में किसने बात की, चाहे फ्रांस में रहता है, चाहे बरतानिया में रहता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रहा, हम बर्दाश्त नहीं करें, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। जो इसने बात किया है, जिन्हें पूरे ट्रेंड पे है, जनाब से ये हो गया ये हो गया, मैं माफ़ी पे तेरी हिम्मत कैसे हुई बात की लानत हो, जिन पर रसूल की लानत हो, जिन पर अहले बैत की लानत हो, उन पर कोई वो जैसे भी बातें करे, लेकिन इन पर लानत आप किस्मत कुरान से भी इन पर लानत उतरी है, जो मेरे नबी के ख़िलाफ़ बोलता है वो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, की कर बात है। मोमिन इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था, जो हिंदुस्तान में कतई ने की गुस्ताखी, चाहे मुस्लिम भी हो अगर गुस्ताखी करेगा तो हम उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बस इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना शुक्रिया। जैसे भी कन्फर्मेशन अपडेट आती है हमें यूट्यूब चैनल।